असा एडे मजबूर है पोतरा बहनी बस इत पैर ने बस जिंदगी कटन दे पाए क्या करो। आज हमारे अपने बाबा जी के पास तो बाबा जी की दुख भरी कहानी सुनकर काफी दुख हुआ। इनकी जो औलाद है दो इनके बेटे हैं, जब बाबा जी की उम्र आई बैठने की खाने की तो इनकी औलाद इन्हें छोड़कर चले गए। जब से उनकी शादी हुई है तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं बाबा जी को औलाद छोड़कर चली गई है। बाबा जी इसी घर में अकेले माँ जी और बाबा जी साथ में रह रहे हैं और इनका शहर भी नहीं है जिससे ये अपना सरकार बासानी के साथ चलाए। बाबा जी की जब तक उम्र थी करने की ने की जब ये बैठ गए तो औलाद इनका सहारा बनने के बजाय वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। तो मजीद दर्द भरी कहानी इनके अपने ही मुंह से सुनते हैं फिर आप तक शेयर करते हैं। आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, आपसे जितना हो सकता है आप इनका साथ दें ताकि ये आप लोगों को दुआएं दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है, ठीक है? खैर है बाबा, साको लू बोतरान छोड़ गए असाउन करण तो राह में है। मजबूर है ना करण जो गए, ये घर वाले मेरी बीमार है, एक दम्मा है माँ जी को दम्मा है जी। शादी थी गई, शादी होगी जब से उनकी शादी जी है, दोनों ही शादी थी अपने बाल तोड़ा मिलना नहीं आते नहीं। बाबा जी का कहना है कि 2 साल हो गए हैं वो हमें छोड़कर चले गए, मिलने तक नहीं आते। बाबा जी के लिए राशन की जरूरत है, मानमदान आ गया है लेकिन बाबा जी के पास रोजे रखने के लिए कुछ नहीं है, ना ही अफ्तारी करने के लिए और ना ही रोजे रखने के लिए। तो बाबा जी काफी ज्यादा परेशान है, जो भी इस बाबा जी के लिए राशन डोनेट करना चाहते हैं हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया गया है। हमारा वीडियो भी बनाने का यही मकसद होता है कि इन जैसी पुअर फैमिली की जो आवाज़ है हम आप तक शेयर करें, फिर आप काग बनते हैं आप अपनी इस्तेताद के मुताबिक जितना आपसे हो सकता है आप इनका तामल करें, ये लोग आपको दुआएं देंगे।